प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त और निपुण महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी। और ये दोनों ना सिर्फ ओवैसी को एक्सपोज करेंगी, बल्कि ये बताएंगी कैसे ओवैसी चुनावों में गड़बड़ी करवा रहा है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये जो बोगस वोटिंग की जितनी खबरें आई, मैंने तो तस्वीरों में देखा, वीडियो में देखा कि उठा उठा के नकाब वो देख रही थी लता जी, लेकिन फिर उसके बाद क्या वो सबके सब फेक ही थे, वो सब बोगस थी, वो महिलाएं जो कतार में बैठी हुई थी। देखिए, जिस दिन मैं हैदराबाद पहुंची थी, उस दिन माधवी लता जी से जब मेरी मुलाकात हुई, तो वो जिस ऑफिस में थी, उस ऑफिस में बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग इतने परेशान क्यों हैं। तो मैंने उनसे ही बैठ करके पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 80,000 लोगों का पूरा लिस्ट दिखाया कि ये आदमी लोग जो है, ये हिंदू वोटर्स है, ये जिंदा है और इनको डेथ करार दे दिया गया है। इनको मौत मौत सुना दी गई है जिंदा को। ये 80,000 लोग जो मुझे वोट करेंगे, इनको ऑलरेडी वोटर लिस्ट में मार दिया गया कि मर गए हैं और इनके वोट वहां से हटा दिए गए जी। अब मैंने कहा कि ठीक है, वो लिस्ट दिखाई गई मुझे, मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कहा कि मुझे लिस्ट दिखाई गई। जब मैं लिस्ट देख रही हूँ, जब मैं वाकई में टाइप कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वो डेड है और वो आदमी व्यक्ति, वो जो मरा, जो वोटर लिस्ट में मरा हुआ व्यक्ति है, वो जिंदा मेरे सामने खड़ा है अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर। कह रहा दीदी, ये तो मेरा ही वोटर आईडी कार्ड है, ये तो मैं ही हूँ, मैं तो मरा नहीं हूँ, देखिए फोटो भी मेरा ही है। तो ये जो हिजाब के अंदर का जो रजाकार का जो स्ट्रेटेजी चल रहा था, वो तो रंगे हाथ पकड़ाया है, एकदम रंगे हाथ पकड़ाया है। और आप देखिए कि कंपेनिंग के दौरान भी माधवी लता जी ने 5 लाख से ऊपर बोगस वोटर्स को इलेक्शन कमीशन के गोद में डाल दिया था और इलेक्शन कमीशन को उसको रिजेक्ट करना पड़ा था, हर हाल में करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पूरे तथ्य और सत्य के आधार पर गोद में डाला था। उसके बाद कल वोटिंग वाले दिन माधवी लता जी ने रंगे हाथ एक 16 साल की बच्ची को पकड़ा। वो 16 साल की बच्ची का उन्होंने जाकर के 15 मिनट में, इतनी दूर पुलिस स्टेशन में भी वो पहुंच गई माधवी लता जी, फिर वहां पर भी उन्होंने कहा कि भैया आपने बच्ची छोड़ा क्यों, वो तो क्राइम कर रही थी, उसके मां बाप को बुलाना चाहिए था, उसके मां बाप से पूछना चाहिए था। तो पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस ने अपनी वर्दी पहने हुए संविधान को अलमारी में रख करके और शरिया लॉ को अपने हाथ में ले लिया और अवेसी का दल्ला बन करके यूनिफॉर्म का मजाक उड़ा करके उस बच्ची को और उसके माता पिता को कह दिया कि तुम लोग अभी छुप जाओ, तुम लोग अभी छुप जाओ, नहीं तो FIR करवा देगी ये औरत। आप सोचिए सोचिए कि हमारे जीते जी हमारे आंखों के सामने रजाकार अपना काम करे जा रहा है और एक एक क्षेत्र, एक एक जगह को कहीं ममता बैनर्जी और फरहाद हकीम के रूप में, कभी स्टेलिन के रूप में और कभी PFI के रूप में, कभी रजाकार के रूप में, कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रूप में, भारत को एक एक कोने कोने में पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है और हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। पर नाज़िया जी, जब 6.25 लाख के आसपास वोटर्स के नाम हटाए थे चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले, तो ये जो 80,000 आप बता रही हैं कि हिंदू वोटर्स हैं जो माधवी लता जी को वोट करते, उनके उनको मरा हुआ घोषित कर दिया, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, तो ये उस वक्त कार्रवाई नहीं, उस वक्त किसी को ध्यान में नहीं आया ये बात, क्या जिस दिन वोटिंग होने वाली थी उससे 2 दिन पहले ही पता चला कि इतने सारे वोटरों के नाम गायब कर दिए गए हैं? नहीं, ये बात माधवी लता जी को 6 तारीख को इंटीमेट किया, वो भी कुछ वोटर्स जिनको वोटर पर्चा जो है घर तक नहीं आया, पर्चा जाता है आपके यहाँ पर कोई आ रहा होगा, तो वो पर्चा जब वो नहीं आया तो वो लोग माधवी लता जी के ऑफिस में आ गए और उन्होंने कहा कि देखिए आज तो 6 तारीख हो गई है और 13 तारीख को वोटिंग है, लेकिन सबके घर में पर्चा जा रहा है, हमारे घर में पर्चा नहीं आ रहा है। तब उन्होंने सारे लिस्ट को निकलवाया और जब वो ब्लॉक का जब उन्होंने लिस्ट निकलवाया तो उनको पता चला कि ऑलमोस्ट 80,000 लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है जो हिंदू है। और तब फिर एक एक लोगों को बुला बुला करके
वो उसको अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कंटिन्यूअसली मेल कर रही थी, कंटिन्यूअसली चिट्ठियां लिख रही थी, उनके 5 आदमी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठे ही हुए थे और बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, लोगों का भंडार लगा हुआ था। मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर लोग उस ऑफिस में बैठे हुए थे, सब भाग रहे, दौड़ रहे, सबके हाथ में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड था। और सब सॉर्ट आउट हुई, ये सॉर्ट आउट हुआ चुनाव के दिन या नहीं, या ये 80,000 वोट नहीं कर पाए? जितना वो कर सकी अपनी टीम के साथ, जितना वो अपग्रेड और अपडेट करवा सकी उतना उन्होंने करवाया, जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने करवाया। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी तो रजाकार का अवेसी बहुत बहुत दिन से कर रहा था ना, उसको तो 3 महीना पहले तक पता नहीं था कि ये फायर और आयरन लेडी आ रही है, उसके ओपोजिशन में खड़ी हो रही है। वो तो जानता नहीं था 3 महीना पहले से कि भाई ये माधवी लता जी को खड़ा किया जा रहा है उसके ओपोजिट में। तो जैसे ही उसको पता चला, उसके रजाकार फौज के जितने भी मुगलिया सल्तनत थे और जितने भी सल्तनत के जो जितने भी चपरासी थे, दल्ले थे, वो सबने मिल करके ये स्ट्रैटेजी सेट की थी। और स्ट्रैटेजी के माध्यम से उन्होंने बोगस वोटर्स को तो शांति से रहने दिया था, पर जो जिंदा हिंदू वोटर्स है उसको मरा हुआ घोषित करने का पूरा स्ट्रैटेजी सेट कर दिया था, ताकि हिंदू वोटर्स जो मिल रहे हैं, मिलने थे वोट माधवी लता जी को, वो कम हो जाए, उसकी मात्रा कम हो जाए। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी तो बड़ी मतलब सोच समझ कर चला रहे होंगे ओवैसी बंधु। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस समस्या का अब सॉल्यूशन क्या है? वोट तो दे नहीं पाए बहुत सारे लोग, तो क्या वहां पर दोबारा वोटिंग भी हो सकती है? क्या इस तरह की भी गुहार लगाई जा सकती है चुनाव आयोग से या नहीं? आज उनके ऑफिस के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है और वहां से कई वीडियोस भी मेरे पास आए हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मैंने यही कहा है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स ने बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द इंडियन लॉ उन्होंने काम किया है, सब पर केस किया जाए, सबको समझाया जाए कि आपको भारत से वर्दी इस शरिया लॉ मानने के लिए नहीं मिली है, या रजाकारों की दलाली करने के लिए नहीं मिली है, या आपको पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट बनाया गया है और सैलरी आपको शरिया लॉ का कानून चलाने के लिए नहीं मिला है, या रजाकार का चप्पल चाटने के लिए नहीं मिला है। तो ये समझाना जरूरी होगा कानूनी तरीके से उनको, लीगल नोटिस भेज करके। दूसरी चीज है कि जिस जिस ब्लॉक में और जिस जिस पोलिंग बूथ पर दरवाजा बंद कर करके अवेसी जी ने ताला लगवा करके और बाहर में पुलिस ऑफिसर को खड़ा करवा करके वोटिंग करवाई है, वो सारे पोलिंग बूथ में दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। तीसरी चीज मैंने उन लोगों से कही है कि जहां जहां पर भी आपको लग रहा है कि बोगस वोटर्स को आप नहीं पकड़ पाई है और बोगस वोटिंग हुई है, वो पोलिंग बूथ का भी एक डेटा निकाल करके तुरंत हाईकोर्ट मारिए और कहिए कि ये सारे बूथ पर मेरा कहना है कि बोगस वोटिंग हुई है और मेरे लोग जो जिंदा हैं उनको वोटिंग नहीं करने दिया गया है, जो मेरे समर्थक हैं, जो मुझे वोट करना चाहते हैं उनको वोट नहीं करने दिया गया है, उनको वोटर लिस्ट के माध्यम से मरा हुआ घोषित साबित करने की कोशिश किया गया है रजाकारों की तरफ से, इनका वोट करवाया जाए और पूरे के पूरे सिक्योरिटी के साथ करवाया जाए। ये 3 बातें मैंने आज सुबह में डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि कल तक ये चीजें हमारे सामने में जरूर आएंगी कि उन्होंने ये काम किया। पर सबसे ताजुब की बात ये कि बहुत सारे वीडियोस हमने भी देखे जहां पर माधवी लता जी बुरके में जो महिलाएं हैं उनका बुरका हटाकर उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बड़ा बवाल हुआ। मैंने सुना कि उस पर उनके लिए उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी हुई, FIR की बात भी हुई। लेकिन इसमें बुराई क्या? एक महिला ही तो देख रही है और शिनाख्ती तो कर रही थी वो। भाई मुझे तो लगता है चुनाव आयोग की तरफ से नाजिया जी ऐसे बंदोबस्त होने चाहिए कि बुरके के अंदर कौन है भाई, ये तो पता चलना चाहिए। बुरका पहनकर तो आप जैसे कह रही हैं कि महिलाओं के वेश में लड़के भी वहां वोट देने के लिए पहुंचे हुए थे, तो कम से कम पहचान करने का और क्या तरीका हो सकता है कि बुरके के अंदर असलियत में है कौन? देखिए, हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है और हमारा कानून भी बहुत खूबसूरत है, पर कभी कभी होता क्या है कि इग्नोरेंस नेचर जो होता है ना वो बहुत दर्दनाक साबित हो जाता है। आप पश्चिम बंगाल में 2019 के इलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, लोकसभा पश्चिम बंगाल के 2021 और पंचायत इलेक्शन के बारे में मैं बात करूं, तो वोटर आईडी कार्ड किसी का और आदमी कोई और खड़ा हुआ है। ये तो मैंने खुद पकड़ा है। मैंने खुद कहा है कि दिखाओ तो अपना वोटर आईडी कार्ड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम औरत का वोटर आईडी कार्ड लेकर खड़े हुए, औरत का वोटर आईडी कार्ड है
और पकड़ा हुआ कोई लड़का है तो ये मैंने खुद खुद पकड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स हैं, जितने भी लीगल काउंसिल जो बहुत रेनाउंड है, उन सबको एक टीम बनानी चाहिए। अगर सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है, अगर इलेक्शन कमीशन इस बारे में नहीं सोच रहा है, तो देश के हित में और देश की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम जैसे सारे इंटेलेक्चुअल काउंसिल और एडवोकेट्स को एक साथ मिलकर के एक पीआईएल द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में करना चाहिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर में चार चार ऑफिसर बूथ पर महिलाएं होनी चाहिए और वो महिलाएं सिर्फ हिजाब उठा करके शनाख्त करने के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, वो सिर्फ शनाख्त करेंगे। जैसे हम लोग मॉल में एंटर करते हैं तो कर्टन लगा हुआ एक होता है महिलाओं को चेक करने के लिए, हम एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो कर्टन लगा हुआ एक जगह होता है महिलाओं को चेक करने के लिए, उसी तरीके से पोलिंग बूथ में भी कर्टन लगा हुआ एक जगह होना चाहिए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलग से चार अपॉइंट होनी चाहिए और चार चार ऐसे टेंट बनाने चाहिए कि टेंट वाली का शनाख्त किया जा सके वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए नाजिया जी, वरना बुरके के अंदर कौन है तो बड़ा सवाल है। और फिर बुरका उठाकर अगर देखा जाओ तो उसको शरिया से जोड़ लेते हैं, अधिकारों का हनन है, कौन सा हनन है? आप लोकतांत्रिक तरीके से वोट डालने जा रहे हैं तो आप वोट डालने वाले हैं भी या नहीं, ये तो पता चले। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकजी और नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों महिलाओं ने ना सिर्फ ओवैसी को एक्सपोज किया बल्कि ये बताया कैसे ओवैसी चुनावों में गड़बड़ी करा रहा है, जहाँ पे 80,000 हिंदू मर्दों को मुर्दा घोषित कर दिया गया और उनके वोटर आईडी कैंसिल कर दिए गए, तो देखा ये कितना बड़ा स्कैम है। और दूसरी ओर हमने देखा कैसे नाजिया खान जी ने बताया कि इस टाइम ओवैसी इतना घबराया और बुखलाया हुआ है कि वो एक हिंदू महिला यानी माधवी लता जी से कांप रहा है और डर रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।